News 21 खबर सबसे पहले। रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखते हैं कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग इससे आएगा खाने में असली स्वाद। राजेश मसाले अब आएगा खाने में असली स्वाद। शाहपुर से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां ठगों ने महिलाओं के लाखों रुपयों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बर्तन और गहने चमकाने की बात करे तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आप ठगी का शिकार हो सकती हैं। बर्तन और गहने चमकाने के बहाने आपको ठगा जा सकता है, क्योंकि ऐसा ही एक गिरोह जिले में सक्रिय है। ताजा मामला पुआया नगर के मोहल्ला कुरगंजा में देखने को मिला, जहां दो व्यक्ति मोहल्ले के आनंद कुमार के घर पहुंचे। आनंद घर पर नहीं थे, वो अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। घर पर सिर्फ उनकी पत्नी और बच्चे थे। बाइक से आए ठगों ने आनंद की पत्नी को बताया कि वह उजाला कंपनी से आए हैं और गहने और पुराने बर्तनों को साफ कर चमकाने का काम करते हैं। उन्होंने आनंद कुमार की पत्नी से गहने उतारकर साफ करके दिखाने अर्थात नए जैसे चमकाने को कहा। आनंद की पत्नी ठगों के झांसे में आ गई और उन्होंने पहने हुए अपने कीमती गहने ठगों को साफ करने के लिए दे दिए। ठगों ने आनंद कुमार की पत्नी से और गहने लाने को कहा और इसी बीच मौका पाकर दोनों ठग सारे गहने लेकर अपनी अपाचे गाड़ी से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। इस तरह से आनंद का परिवार ठगी का शिकार हो गया और लाखों रुपए के कीमती जेवर लेकर ठग फरार हो गए। मोहम्मद आरिफ खान की रिपोर्ट। विद्यालय गया था, मुझे 11:23 पर मेरे पुत्र द्वारा फोन से सूचना मिली कि घर पर दो लोग अज्ञात लोग घुस आए थे और वो झाला कुंडल पायल और मंगलसूत्र लूट के ले गए हैं। वो उजाला नाम का कोई प्रोडक्ट बेचने आए थे जिससे गहने साफ किए जाते हैं और उनके पास लाल रंग की अपाचे बाइक थी और उसके बाद वो खुटार चौराहे की तरफ भाग गए। तो आपने पुलिस को कुछ तहरीर? जी, तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी। 112 नंबर वाले भी तुरंत आए और उसके बाद थाने से भी फोर्स आई और जांच चल रही है।